दिल्ली हरियाणा नोएडा के शाने लोग। सो गाइस यहाँ पर इजाज खान के इतने सारे लफड़े देखने के बाद इजाज खान के ऊपर रोस्टिंग वीडियो बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक टाइम पर थाराभाई जोगिंदर के ऊपर रोस्टिंग वीडियो बनना स्टार्ट हुआ था। और गाइस जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा इस टाइम पर इजाज खान वर्सेस यूट्यूबर्स की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, मतलब की एलवी यादव, रजत दलाल, राजवी सिसोदिया इन सभी के साथ इजाज खान का लफड़ा चल रहा है, जहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ लोकेशन लोकेशन खेल रहे हैं, सभी एक दूसरे की लोकेशन मांग रहे हैं। सो गाइस इन्हीं सभी कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर लक्ष्य चौधरी का भी एक रोस्टिंग वीडियो आया है, एंड उस वीडियो के अंदर इजाज खान को रोस्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी ने क्या क्या कहा आप लोग खुद देखिए। दिल्ली हरियाणा नोएडा के शाने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं कि मुंबई में है मिल, इधर हूं मैं रेडिएंट इन आया हूं, अगले एक घंटा इधर ही हूं मैं, जूस भी पीऊंगा इधर ही बैठ के, आ जाओ बेटा आ जाओ। और शेर अकेले ही आता है, अकेले ही आया हुआ हूं, ये कैमरा खुद डंडी पे लगा के घुमा रहा हूं मैं, कोई नहीं है मेरे साथ। और बेटा ये दिल्ली नहीं है, ये अत्तर रोड है, इधर 800 ही कैपेसिटी में 3000 क्रिमिनल एक से बढ़ के एक मैं रूल करके आया हूं उन पे, शेर अकेले यहीं पे ही खड़ा है, ठीक है। तुम लोग भागोगे तो नहीं ना भाई, प्यारे ज्यादा कांप रहे हैं, अपर बॉडी में दिख रहा है। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पर रूबल दंकल भी इजाज खान को मिलने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं, एंड उन्होंने ये वाली स्टोरी भी शेयर की है। इजाज भाई एयरपोर्ट में बैठा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। सो गाइस अब देखना ये है कि रूबल शंकर इजाज खान से मिलते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना।